इस अमृतसरी नान ने हजारों को दीवाना बनाया है। एक बार आप भी इसके स्वाद को चखिए, बाकी सब मोह माया है। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद देता हूं। तो आज हम आए हैं श्री गंगानगर के मेन मार्केट गोल बाज़ार के अंबेडकर चौक पर अमृतसरी नान का जायका लेने। तो यहां हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से स्पेशल तरीके से ये इस नान को तैयार करते हैं और इसके साथ साथ जो लच्छा परांठा है और भी कई चीज़ें बनाते हैं। तो इनका एक ख़ास तरीका है और मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपके मुँह से आता हुआ पानी बिल्कुल नहीं रुकेगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है और हम भी सुबह सुबह आ गई हैं क्योंकि वाकई में बहुत स्पेशल नान है और वाकई में पहली बार मैं ऐसी नान देख रहा हूँ गंगानगर के अंदर। तो चलिए आप हमारे साथ में बने रहिए और वीडियो का मज़ा लीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो चलिए आपको हम बताते हैं और इनसे पूछते भी हैं कि किस खास तरीके से ये नान को तैयार करते हैं और इसके साथ साथ और क्या क्या यहाँ पे वैरायटी है वो भी हम आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ में एक भाई साहब भी हैं जो कि काफ़ी दिनों से यहाँ पे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इनसे जान लेते हैं। तो पुराना आरण के पास बहुत ज़्यादा आ रहा हूँ, बहुत ही है अच्छे हैं मित्र हमारे। मित्र की बात नहीं होती, हिसाब बात होती हिसाब की। जैसे मैं पुराना आरण से अच्छा टेस्ट है खाने का, क्योंकि बहुत टेस्टी आइटम बनाते हैं लोग। हम भी खाएँगे तभी हम आपको दिखाएँगे कि किस तरह का टेस्ट है। तो दोस्तों हमारी जो स्पेशल थाली है वो तैयार हो चुकी है। तो हमने लच्छा लिया है और इधर आप दाल दे सकते हैं, ये छोले हैं और ये हरी चटनी है और ये कटी कटी छोटी छोटी सी स्लाइसेस हैं प्याज की, जो कि इसके स्वाद को इन्होंने तीखा कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिर्च का अचार है और ये आपका नींबू का अचार है और इसके साथ साथ ये छाछ है, तो कई गुना इसका जो स्वाद है वो बढ़ जाता है। और अब हम इसका स्वाद लेंगे और उसके बाद में हम आपको दिखाएँगे बताएंगे कि यहाँ भी इसका स्वाद कैसा है एक्चुअल में। तो दोस्तों स्वाद वाकई में लाजवाब है और बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं है और वाकई में पैसा वसूल है। तो चलिए तब तक हम खा लेते हैं, फिर आपको कुछ और बातें बताएंगे, तब तक हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों लच्छा तो हमने खा लिया है, वाकई में बहुत ज़्यादा लाजवाब था और जो सबसे बड़ी बात थी बहुत ज़्यादा इन्होंने प्यार से खिलाया और मेरे पास में मतलब ये शब्द नहीं है कि कैसे मैं उसके टेस्ट को आप तक पहुँचाऊँ। बस ये है कि आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, इसके टेस्ट को लेना पड़ेगा, तो आप अपने आप ही उसको जज कर पाएंगे कि बेहतरीन था, मतलब लाजवाब था। और जो ग्रीन चटनी थी ना वो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा मतलब छोले बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं था, लच्छा भी काफ़ी मतलब बहुत सॉफ्ट था, ठीक है। और उसके ऊपर जो मतलब ये जो मक्खन लगाया हुआ था तो उससे जो उसका जो टेस्ट था वो कई गुना और ज्यादा बढ़ गया, बिल्कुल मतलब। और बस पेट इतना ज्यादा फुल हो चुका है, तो बहुत ज्यादा रीजनेबल प्राइस में इतनी ज्यादा वैरायटी है, अच्छा टेस्ट है। और इसके जो सबसे बड़ी बात है अभी हमें पता चली थी कि जो भाई साहब हैं वो यहाँ के पार्षद भी रह चुके हैं, तो अभी हम उनसे बातें करेंगे कुछ। नमस्कार जी, तो नाम क्या आपका? नाम विजय जोग है जी। विजय जोग? विजय जोग। तो जो विजय जोग जी हैं तो कितने दिन से आप लगा रहे हैं ये? सन 1995 में पहले मैं अखबार लाइन में काम करता, पिताजी हमारे ढाबा चलाते थे। अच्छा, फिर मैं अमृतसर जाके ये काम सीख के आया, उसके बाद मैंने 95 में चालू किया, 95 से लेके अब रेगुलर ही चल रहा है। अच्छा, जैसे अभी हमें पता चली कि आप पार्षद भी रहे हैं। और मैं रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीता
क्योंकि मेरे पिताजी धरण निकालते हैं, पेट का इलाज करते हैं, उस कारण मैं भी करता हूँ आज धरण कोडी ये सारा। अच्छा, साथ में इसका भी मतलब कुछ जैसे वैद वगैरह है? हाँ, वैद। तो बिल्कुल, तो नाड़ी वैद भी है। 27 साल हो गए। 27 साल हो चुके हैं। तो इसका मतलब राज क्या है? बहुत ज्यादा मतलब लाजवाब। हम तो पहली बार आए हैं दोस्तों। अमृतसर की वैरायटी को हमने चेंज किया। अच्छा। यहाँ के लोग क्या चाहते हैं? ओके। यहाँ मसाला कम। बिल्कुल सही है। तो वो चीज हमने लोगों के ज्ञान से लेके हमने वो चीज दिमाग में डाल ली, ये चीज मांग रही। मेरे पास ज्यादा सोमवार से शनिवार तक MR आते हैं, एजेंट आते हैं, वो खा के जाते हैं। संडे को लोकल ग्राहक होते हैं, सब पैकिंग जाती है संडे वाले दिन। ओके। तो दोस्तों सही बताऊं, हम भी यहाँ कोइंसिडेंटली पहुँचे थे। कल हम यहाँ पे मार्केट में किसी और काम से आए थे, लेकिन यहाँ देखा तो काफ़ी भीड़ लगी हुई है, तो एक बार सोचा कि एक बार टेस्ट कर लेते हैं। और आगे में लाजवाब था जो छोले की, जो स्पेशल खास बात है, कैसे छोले शायद मैंने नहीं खाए अभी तक, या गंगानगर में, गंगानगर में नहीं मिले हैं। ये चीज सबसे अच्छी लगी, ऐसे फालतू के मसाले नहीं भरे। हाँ, वो नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। बाद में जलन नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो लच्छा बनाया जा रहा है, तो जो इसकी स्टफिंग है वो कैसे तैयार करते हैं अभी हम पूछ लेते हैं। तो जो स्टफिंग तैयार करते हैं वो कैसे तैयार करते हैं जी? ये तड़का लगाया जाता है स्टफिंग को, जीरे का, प्याज का, और इसमें धनिया सावर डलता है, और आलू और प्याज जो मसाले डाल के, मिर्च, हल्दी, नमक और अन्य दो सामान और भी है जो मसाले हमारे खुद के होते हैं, वो डाल के बनाई जाती है स्टफिंग। और वैरायटी की बात करें तो कौन कौन सी वैरायटी? एक पहला पिज्जा नान है, आलू प्याज है और गोभी है, और बटर नान है, बटर नान के पनीर नान है, चार कर पनीर नान भी है। जी जी, लच्छा नान भी है। लच्छा नान। अच्छा, सुबह जैसे टाइमिंग का क्या है, कितने बजे कोई आना चाहे? सुबह हम 7:30 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक होता है, और संडे को 1 बजे तक ख़त्म हो जाता है। तो सर ये बताइए, जैसे जो तैयारियां करते हैं तो वो कितने बजे शुरू हो जाती हैं? मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठ के आके पहले प्याज छिलते हैं, फिर अपना आलू रख देते हैं एक तरफ, और एक में दाल रख देते हैं, 3 भट्टियाँ चलती है, और छोले नीचे तंदूर में रखते हैं, तंदूर में धीरे धीरे तंदूर जला के फिर तंदूर में सारा तैयार करते हैं। बिल्कुल, समय 4 बजे चालू हो जाता है, 7 बजे तक तैयारी पूरी, सारी तैयारी कर लेते हो। तो दोस्तों आगे में मेहनत बहुत ज़्यादा है, हमें लग ही रहा है, लेकिन इस काम के पीछे मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो बस हाँ, सभी चीज़ों में हम तड़का जरूर लगाया, दाल में भी तड़का लगता है, लहसुन प्याज अदरक का, उसी प्रकार छोले में भी लगता है, इसी प्रकार आलू स्टफिंग में भी तड़का लगा के ही बना, नहीं उसकी स्वादिष्टता अलग दिखे। तो दोस्तों मुझे पता है कि आपको वीडियो को देखते हुए ज़रूर मुंह में पानी आया होगा और आपका मन भी कर रहा होगा, तो बस आप बिना सोचे समझे अगर आप लोकल हैं तो यहीं पे आ जाइए, और नहीं तो अपने आसपास निकल जाइए कहीं भी इस तरह के फूड का मज़ा लेने के लिए। तो चलिए हम आपको जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार कंटेंट के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।